फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे जसनूर एंड वेलकम टू माय चैनल आरजे जसनूर। सो ये चल रहा है हमारा मेहंदी लर्निंग कोर्स। सो कीप लर्निंग मेहंदी। बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें मैंने मेहंदी सिखाई है, स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम बीइंग अ बिगिनर टू बीइंग अ प्रोफेशनल। हर वीडियो के अकॉर्डिंग यू जस्ट नीड टू लर्न। घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ये छोटी सी वीडियो है, पर हर वीडियो को अगर आप एक्सटेंड करके प्रैक्टिस करेंगे, सो 1 to 2 आवर्स डेली एंड 30 डेज यू विल बी अ प्रो ऑफ मेहंदी, दैट्स फॉर श्योर। सो बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी मेहंदी सीखिए, लेकिन साथ ही साथ आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, कोई भी मेहंदी का डिजाइन आपका मिस ना हो जाए, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड साथ ही साथ लाइक बनता है, बिकॉज आप अगर आपको अच्छा लग रहा है, सीखना पसंद आ रहा है, लाइक भी कर दीजिएगा। एंड कॉमेंट डाउन बिलो योर सजेशन और एनीथिंग यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, आई एम हियर फॉर दैट। सो कीप वॉचिंग। सो इससे पहले आप मेहंदी की 2 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक डिजाइन ऑफ फिलिंग सीखे थे, जो इस फाइल में इस तरीके से मैंने बनाए हैं। आई होप आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। सो आज हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है शेखावटी स्टाइल ऑफ मेहंदी। शेखावटी डिजाइन जो होती है, ये बेसिकली जो सबसे प्रिटी वाली शेखावटी स्टाइल है, दैट इज हम लोग सीखने वाले हैं। ये देखने में हो सकता है आपको बहुत इजी और बहुत मोनोटोनस लगे, लेकिन आप इसको तभी लगा पाओगे जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसकी। विदाउट प्रैक्टिस इसको लगाना पॉसिबल नहीं है। ये देखने में इजी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे आपको पता लगेगा ये डिजाइन कितना परफेक्शन मांगता है। बट वंस यू गेट परफेक्ट विद दिस डिजाइन, बहुत सिंपल सा डिजाइन है, इसमें सिर्फ 2 या 3 डिजाइन है जिससे आपका पूरा हैंड फिल होता है। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि वो सब बेसिक डिजाइन हैं कौन से, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उन बेसिक डिजाइन को हैंड में कैसे यूज किया जाए। सो ये शेखावटी स्टाइल के 2 वर्जन हैं, जिसमें दूसरा जो वर्जन है उसको राजस्थानी स्टाइल भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम एक चीज इंक्लूड कर देते हैं। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, सो ऑफकोर्स आपको पहले पेंसिल यूज करनी है, उससे अच्छी ग्रिप आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल इस तरीके से 2 लाइंस बनानी है, और इनके बीच में एक स्पेसिफिक फिगर आपको ड्रॉ करना है, विच इज लाइक दिस। इसको हम एस बोल सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं एग्जैक्ट एस नहीं है, ये फिलिंग डिजाइन है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट डिजाइन है शेखावटी स्टाइल, इसका जो स्टाइल हम सीख रहे हैं। इसको लाइंस के बीच में बनाएंगे तो आप इजीली ज्यादा अच्छे से बना पाओगे, आपको डायमेंशंस का ज्यादा आइडिया हो जाएगा। और ये मैं आपको वापस से बना के दिखा रही हूं। सी, आपको एस नहीं बनाना है, अगर आप एस बनाओगे तो ऐसे बनेगा, सो डोंट डू दिस, ये गलत है। आपका डिजाइन ऐसे चलेगा, इट हैज टू बी स्ट्रेट। और ये आपको बनाना है 2 लाइंस के बीच में। सो इस तरीके से आपने 2, 3, 4 पेजेस प्रैक्टिस करने हैं। आपकी मिस्टेक्स क्या क्या होंगी, आपके हाथ टेढ़े जाएंगे, आपके हाथ बहुत दूर दूर जाएंगे, तो आपको ये सब चीजें परफेक्ट करनी है कि वो बिल्कुल इवन, इनमें स्पेसिंग बिल्कुल साथ हो। अगर बहुत छोटा बना रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे भी बन सकता है, और अगर थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस भी हो सकता है, लेकिन ये जितना पतला और बारीक होता है उतना सुंदर लगता है। तो ये इसका बेसिक एंड फर्स्ट डिजाइन हो गया, जिससे ये स्टाइल बनता है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टाइल, बेसिकली जो बेसिक डिजाइन है जिसके अंदर ये फिल होता है, हम वो डिजाइन बनाएंगे। तो ये उड़ती चिड़िया जैसा है, लेकिन चिड़िया नहीं है, क्योंकि उड़ती चिड़िया सिर्फ इतनी होती है। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे एंड इस तरीके से बनाएंगे। इसको मैं वापस से बना के दिखाती हूं, नीचे ऊपर की तरफ एंड इस तरीके से। जो चिड़िया बनती है वो सिर्फ इतनी सी बनती है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको दूसरी तरफ से ओपन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सीधा एंड दूसरी तरफ से इस तरीके से। सो ये एक वी है, लेकिन थोड़े से कर्व के साथ में। सो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये आप दूसरी साइड लंबी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन टू यू। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें स्पेसिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, कि एक जगह से बहुत मोटा हो गया, एक जगह से बहुत पतला हो गया, तो आप ये फिलिंग नहीं कर पाओगे। फिर से बना के दिखाती हूं, स्ट्रेट ऊपर की तरफ। सो आप देख सकते हैं एक लाइन छोटी है, दूसरी लाइन बड़ी है। ये आपका डिजाइन हो गया। फिर से एक बार दिखा देती हूं, नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर जाके स्ट्रेट एंड ऊपर से वापस से कर्व लेना है।
अगर आप कर्व नहीं लोगे तो ये चिड़िया बन जाएगी, जो ये डिजाइन नहीं है। इस तरीके से आपको बनाने के बाद में इसके भी आपको दो से तीन पेज प्रैक्टिस करने हैं। फिर आपको इस डिजाइन के अंदर ये एस फिल करने हैं, तो ये एस फिल करने का आपका इसमें डायरेक्शन होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से एस फिल होंगे। इसी तरीके से आपको बार 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 डिजाइन बनाना है और बार 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 ये एस को फिल करते जाना है। जितना कोशिश कर सकते हैं डायरेक्शन सिंगल रखेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सारे फिल होते हैं। तो ये इसका डिजाइन नंबर वन है। दूसरा डिजाइन होता है इसका, दैट इज स्ट्रेट एंड अ कर्व। एक तरह से लीफ है लेकिन स्ट्रेट एंड अ कर्व, और फिर इसके अंदर एस की फिलिंग होती है। लेकिन एस की फिलिंग से पहले आपको ये डिजाइन सीखना जरूरी है, स्ट्रेट कर्व, और फिर उसको सेम डिस्टेंस रखते हुए स्ट्रेट एंड अ कर्व। ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट एंड अ कर्व। दिस स्केच पेन आई हैव टू चेंज क्योंकि इसका इंक शायद खत्म हो गया है। सो एक बार और देख लेते हैं, ये डिजाइन इस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट एंड अ कर्व। उसके बाद में आप इसके अंदर वही एस जो फिलिंग है वो एस की फिलिंग करेंगे। आई होप आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है व्हाट आई एम मेकिंग। सो ये आपका हो गया डिजाइन। अब इस डिजाइन को एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं, हाथ पे ये डिजाइन कैसे बनेगा, दैट इज ये इस तरीके से चिड़िया बनती है। उसके बाद में ये जो बीच में स्पेस है इसके ऊपर ये लाइन ऐसे बनती है। ये बहुत बड़ा नहीं बनाते हैं हाथ पे, छोटे छोटे बनाते हैं, पर प्रैक्टिस के लिए आप बड़े बना सकते हैं। सो इसको वापस से बनाएंगे। पहले ये जो चिड़िया टाइप की चीज हमने बनाई है ये बना लेते हैं, और फिर इसके ऊपर हम बनाएंगे ये जो लीफ है। उसके बाद में ये बनाने के बाद इसको हम फिल कर लेंगे एस से। इसको एस इसलिए बोल रही बिकॉज इट लुक्स लाइक एन एस। और अगेन आपको इसकी भी दो से तीन पेज प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिकली जो मैं आपको एक पेज में शो कर रही हूं वो आपके लिए कम से कम 5 to 7 पेजेस होने चाहिए, तभी आप परफेक्शन एंड विद इन 30 डेज बहुत अच्छी मेहंदी सीख पाओगे। सो अब आपको इस डिजाइन की प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमने सिंगल एस बनाने सीखे, फिर ये चिड़िया टाइप की चीज बनानी सीखी, फिर ये लीफ बनानी सीखी, इनको फिल करना सीखा, एंड देन इनको कंबाइन करना सीखा। सो ये चार डिजाइन हमने इसके अंदर सीखे हैं। तो दिस मीन्स कम से कम आपके 20-25 पेजेस यूज होने चाहिए। इसके बाद में आपको जो सीखना है इसी का एक पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको चिड़िया बनानी है उसी तरीके से जैसे हमने बनाई है। और सेम उसी तरीके से आपको वो लीफ बनानी है। अब मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल मोनोटोनस डिजाइन होता है। मोनोटोनस मतलब एक ही डिजाइन से पूरा हैंड फिल होगा। अनटिल एंड अनलेस हम इसमें राजस्थानी टच नहीं दे रहे तो वो कैसे करेंगे। ये आपका सिंगल डिजाइन हो गया। इसको कंप्लीट करने के लिए फिर से यहां से दूसरी चिड़िया निकल जाती है, इस साइड से तीसरी निकल जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि कर्व्स ऑटोमेटिक उसमें आ रहे हैं। सेम वे बीच में से लीव्स निकल जाएंगी, इसको आगे इलैबोरेट करने के लिए फिर वही। बेसिकली आपको जो शेप है उसके अकॉर्डिंग अपनी लीव की शेप इंडल्ज करते जाना है। सो आई होप इट्स अंडरस्टूड कि ये जो डिजाइन है हम वही बना रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू स्पेस हम उसको खिसकाते जा रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स इन सब में आपको एस की फिलिंग कर लेनी है। ये इस तरीके से एस फिल होते जाएंगे, एंड इसका आपको पूरा एक पेज बनाना है जिसमें आप प्रॉपरली इसको अच्छे से फिल कर लोगे ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाए। सो बेसिक शेखावती डिजाइन के लिए आपको सबसे पहले लाइन्स में एस बनाने सीखने हैं, फिर बेसिक डिजाइन ऑफ दिस बर्ड काइंड ऑफ थिंग दिस लीफ, देन उनको कंबाइन कैसे करना है हैंड में ये सीखना है। तो ये है शेखावटी स्टाइल के बेसिक डिजाइन। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो,
उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इसको हैंड के ऊपर कि हैंड पे आप कहां से स्टार्ट करोगे, कहां पे एंड करोगे, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा. एंड देन लेटर ऑन हम इसके अंदर कुछ एडिशंस करके शेखावटी के लाइक राजस्थानी स्टाइल इसके अंदर ऐड करके उसके अंदर कुछ फिगर्स और ऐड होते हैं वो सीखेंगे एंड उसको हैंड पे सीखेंगे. सो प्लीज प्रैक्टिस वेल टिल द नेक्स्ट वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे जसनूर और हम लोग सीख रहे हैं मेहंदी. इससे पहले 3 वीडियोस आप देख चुके हैं, ये चौथी वीडियो है. सो लास्ट वीडियो में आपने ये शेखावती डिजाइन सीखे थे. इन डिजाइन्स को आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा. सो आज हमें जो करना है वो ये है कि फाइल का एक न्यू पेज लेना है एंड इस पे अपना हैंड ट्रेस कर लेना है. सो आज आपको हैंड ट्रेस करना भी मैं सिखा देती हूँ.